Mr. Ferguson. Mr. Ferguson. ढेरी था पूरा मुसलमान का पंखा था लाइन बात का सब था पीछे बड़ी भीड़ मजमा खड़ा नहीं हुई जाइए अपने अपने घर में काम करो लाइन बाग का सब था मुन्ना अंग्रेज था उसका बेटा बिकिया था और चन्मा था और की नाम चिकरा चन्मा था यही सब था सर चार बेटा है उसको चारों ने पुर कर दिखा दिया आरो की है हमने तो वही ले गया इलाज करना चाहे पूरा काट दिया बड़का बेटा का बड़का बेटा ने पूरा हमने काट दिया है सत्तर बाल से आरो बड़का फिरता मरा है फाड़ दिया है झगड़ा हुआ तो बैठ कर नहीं गया तो तुम लोग इधर काहे बदमाशी करता है काहे मोबाइल पर चुरा लेता है यह बात बोली कौन बोला हमारा बेटा कन्हे गया नहीं गया था सर लॉज में वहाँ पे छुड़ाने गए थे हाँ वो लोग आगे तो तिरमान और चाकू से पूरा मार एक बजे शुरू कर दिया मुन्ना रंगेश का पहुँचो सुनो बेटा और मुन्ना रंगेश स्वयं उस सबके पास तिरमान और बंदूक था वहाँ पे और एक लड़का रहता है तेजी तेजी नाम करता है वो भी मारपीट करने के लिए आए निकल गया बंदूक लेकर और वहाँ पे आज सब मोहल्ले का जितना लड़का है वहाँ पे वो सब आके मारपीट करने लगा लाइन का उस पार का आरोप वहाँ से सब सौ आदमी सौ मुसलमान मंदिर के लिए आके वहाँ पे तरवालबाजी करने लगा नशा उसका करता है वो लोग पूरा नशा करता है विवाद शुरू कैसे हुआ वो लोग सारा नशा करने गए क्लियर है वहाँ सैंपल आने गए उसके दुकान से किसके दुकान से मेरा चांद के दुकान से वो लोग वहाँ पे नशा बेचता है और वहाँ पे चोरीबाजी और वो सब चीज़ें बताता है वो लोग आप क्या मोबाइल क्या कैसे क्या मोबाइल का मामला मोबाइल का चोरी सर बोला वहाँ पे लॉज होता है लॉज के अंदर लोग मोबाइल मैंने चोरी हुआ हम लोग उन लोग को मैंने मेरा एक छोटा भाई को समझाने गया कि भाई अगर जब लोग मोहम्मद वहाँ सामान वन चोरी होता है उसमें लोग तरवालबाजी निकाल के वहाँ पर करने लगा क्या नाम हुआ तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम बंटी मंडल घर लवा तो नहीं तरक्की स्टूडेंट के लॉज में घूम के वो लोग गांजा पीता है सिगरेट पीता है स्नैक करता है और मोबाइल छीनता है किस कारण बस मार हुआ वही मोबाइल छीना स्टूडेंट का जाके और जब हम लोग गए और मारने भी लगा जब हम लोग गए फिर उसके बाद उधर से पत्थर उत्थर मारने लगा कितना लोग घायल है तुम लोग हम लोग बहुत आदमी घायल क्या नाम है मारपीट कौन किया मारपीट मारपीट बहुत लड़का था उतना नहीं देख सकता क्या नाम है तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है टोटल लड़का नहीं था तुम्हारा क्या नाम है मेरा नाम तो कुमार देखिए इसमें जो बात आ रही है अभी वैसे अनुसंधान चल रहा है कि लड़के यहाँ रहते हैं लॉज में हॉस्टल है तो उसमें मोबाइल चोरी हुआ है जैसा लड़कों का आरोप है लेकिन जिसका मोबाइल चोरी हुआ है वो लड़का यहाँ उपलब्ध नहीं है तो अभी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं और उसी क्रम में जो लड़के लॉज में रहते हैं उन्होंने यहाँ के कुछ स्थानीय लड़कों को इन्वॉल्व करके अपने मोबाइल की खोजबीन शुरू की बिना पुलिस को बताए हुए अपने स्तर से उसी क्रम में दूसरे पक्ष के लोगों पर इन लोगों ने आरोप लगाया और हाथापाई हुई फिर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस पहुंच गई और फिर देख रहे हैं कि अभी शांति व्यवस्था बहाल हुई है दोनों पक्ष जो है उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और फिर फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो बात आएगी वो आप लोगों सर लगातार लोकार्पण थाना क्षेत्र में इस तरह से एक घटना को दूसरी घटना से मत जोड़िए ठीक है सभी घटनाएं एक दूसरे से ऐसा नहीं कनेक्टेड है या किसी के कारण कोई घटना हुई है तो मेरा भी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि जो घटना हो रही है उस घटना को लेकर के जो पुलिस की कार्रवाई है और जो ब्रीफ किया जा रहा है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाए जो घटनाएं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग अलग तरीके से हो रही हैं उसको उसी रूप में दिखाया जाए घटनाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है और इनके बीच कोई लिंक भी नहीं सर कितने लोग घायल हैं तीन चार लोग हैं अभी हम लोग कर रहे हैं मतलब कोई माइनर इंजरी है अभी हम लोग दिखवा रहे हैं चलो यहाँ गश्ती करेंगे अरे कोई समस्या नहीं है ये छोटी घटना थी युवाओं के बीच में दो पक्षों में हल्की फुल्की कुछ कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है हल्की फुल्की इसमें दो तीन लोग मामूली रूप से घायल हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है दोनों पक्षों को कल समझा बुझा के साथ में बैठा के शांति व्यवस्था कराई जाएगी किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या सर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी जाँच की जा रही है पूछताछ की जा रही है पहले समझने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे सर आगे होली और शबे बारात एक साथ है किस तरह से ऐसे माहौल में शांतिपूर्ण
तरह से संपन्न कराया जाए। शांति समिति के साथ बैठकें लगातार हो रही हैं, यहाँ मोहल्ले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहले से भी यहाँ फोर्स तैनात थी चौक पर, अभी और फोर्स यहाँ बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा दोनों पक्षों के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उन लोगों को लगातार थाना में बिठा के शांति हेतु वार्ता कराई जाएगी, संपर्क में रखा जाएगा। हम तो थे नहीं, खिड़कामाजी में थे, हमको फ़ोन आया एक स्टूडेंट लॉज से, हम लोगों का लॉज है, वहाँ से आया कि कुछ यहाँ पर हंगामा हो रहा है। जब यहाँ पहुँचे और हमसे मुजाहिदपुर थानेदार जो हैं सबोज जिनसे भी बात हुई, वो भी पहुँच रहे थे, तो बात कुछ नहीं है, वो मोबाइल चोरी का मामला था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद से दोनों तरफ से गोला बारी मारा पड़ी। यही बात है, कोई इशू ऐसा नहीं था और कोई इशू है ही नहीं, सब पहुँच गए हैं और कोई ऐसा कितने लोग घायल हुए, दोनों तरफ से दो दो आदमी घायल हुए हैं। कहाँ गए वो? ये जो असानंदपुर वाली नौवा टोली है वहीं पर रेलवे ट्रैक के पास है।